हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लिंकिंग लॉस प्लेटफॉर्म, जहां पे आज हम डील करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के लैंडमार्क जजमेंट्स। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमने काफी बार कंप्लीट किया है, काफी बार इस सेगमेंट का हमने प्री के एंगल से, मेन से एंगल से या फिर कंसेप्चुअल पार्ट को डील किया है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है वो है लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स अगर प्री के एंगल से हम देखेंगे तो किसी भी स्टेट जुडिशियरी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ खास लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेंस में हमारे लिए ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट रह जाता है। और आज जितने भी केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे केसेस रहने वाले हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस। तो लगभग आई एम गोइंग टू डिस्कस 20 केसेस, उसमें से 5-6 केसेस हम लोग ऑलरेडी प्लस कोर्स में डील कर चुके हैं, उसके एडिशनल ये केस लॉज है, ठीक है। अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करके बता देंगे ताकि हम आगे का सेशन बिगिन करें। और साथ ही साथ आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई मतलब कि हो रहा है लिंकिंग लॉज टीम की तरफ से एक नया बैच लॉन्च, उसकी सूचना आपको देते हुए फिर मैं आज के सेगमेंट से स्टार्ट करूंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इंट्रोड्यूसिंग मायसेल्फ, आई एम अ प्लस वेरीफाइड एडुकेटर डीलिंग विद द माइनर लॉज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड अभी तक अगर आप में से किसी ने भी अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप पहले जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में, बैच लॉन्चिंग के बारे में, टीचर्स के सारे स्केड्यूल्स के बारे में और जितने भी आने वाले हमारे क्लासेस है, चाहे स्पेशल क्लास हो गई, प्लस क्लास हो गई या यूट्यूब, उसके सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल का नाम है लिंकिंग लॉस अन अकेडमी चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। किसी ने मेरे को अभी तक प्रोफाइल फॉलो नहीं किया अन अकेडमी पे तो फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरी क्लासेस का अपडेट विशेष तौर से मिल जाएगा। साथ ही साथ देखो, जब बैच लॉन्च होता है ना, तो ये मेक श्योर किया जाता है कि आप ने जब से बैच को ज्वाइन किया तब से आप रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। एक लाइव क्लासेस में और एक रिकॉर्डेड में काफ़ी फर्क रहता है। लाइव क्लास में कोशिश ये की जाती है टीचर द्वारा कि आपका अटेंशन और फोकस हम अपनी तरफ बनाए रखें। रिकॉर्डेड में क्या है, आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, ठीक है। तो ये प्राइस लैब चल रहा है 24, 18, 12 और 6 मंथ्स का। अगर आप कोड यूज करते हैं लिंकिंग, क्या कोड यूज करेंगे, लिंकिंग कोड यूज करने पर आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। 10% के अलावा अभी जो बेनिफिट चल रहा है वो महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि यहां पे 6 जुलाई को आज जो बैच लॉन्च होने वाला है उसमें सबसे पहले क्लास आपको दिखेगी सर की, जो कि चलेगी आज शाम को 7 बजे। 7 बजे इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट किया जाएगा सर के द्वारा। सो जरूर इस सेशन को स्टार्ट करें आप। एंड ऑफर यह है कि 6 पे 1, 12 पे 2, 18 पे 3 एंड 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स 4 मंथ्स का आपको डायरेक्ट ऑफर मिल रहा है। ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, 5th, 6th और 7th, 2 दिन के लिए ऑल वैलिड है ये बैच, नॉट बैच बट द ऑफर। बैच आप देखो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऑफर के साथ ज्वाइन करोगे तो मजा दुगना आएगा, ठीक है। और जब आप बीच में से बैच ज्वाइन करते हो तो कुछ चीजें छूट जाती है, फ्लो छूट जाता है, आपको रियलाइज होता है कि मैं लाइव क्लासेस ज्यादा इंजॉय कर रहा हूं तो पीछे की रिकॉर्डेड कैसे देखूंगा। तो जब बैच लॉन्च होता है तब आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। आप फाइनल ईयर में हैं या फिर फोर्थ ईयर में है, देन इज द राइट टाइम कि आप कम से कम 1 साल के बैच के लिए तो जरूर जाएं, ठीक है। अब आते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के लिए। जब भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करोगे, हमें पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नेचर कैसा है, सिविल इन नेचर है। ये हमें एक रेमेडी प्रोवाइड करता है, मतलब रेमेडियल स्टैट्यूट है, प्रिवेंटिव स्टैट्यूट है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका एनफोर्समेंट में दो तरीके से आता है। एनफोर्समेंट में कहने का मतलब, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्ट में आप उसको तब ला सकते हैं, या तो जब आपका राइट कोई हैम्पर हो चुका है या आपका राइट हैम्पर होने वाला है। तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम केसेस देखेंगे, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया है या फिर आपका हाई कोर्ट हो गया है, इन दोनों के ही जजमेंट्स आपको सबसे ज्यादा किस पे दिखने वाले हैं, एक तो है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरा है हमारा इंजंक्शन। इन दो पे सबसे ज्यादा दिखने वाला है, क्योंकि आप देखो सेक्शन नंबर 9 से लेकर 25 तक हमें सिर्फ और सिर्फ आधे से ज्यादा हमारा जो वेटेज है इस एक्ट का वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे लाई करता है, ठीक है। तो इस एक्ट की खासियत ये है कि ये हमारे लिए काफी सारी ऐसी चीजें छोड़ जाता है जिसे कि हमें कनेक्ट करके पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ और हमारे सीपीसी के साथ। आज जितने भी लैंडमार्क केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे केसेस आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए जाएंगे और उनके लिंकिंग सेक्शंस में आपको बताते जाऊंगे कौन से सेक्शन से क्या प्रोविजन हमें यहां पे लिखना है। एंड इनकेस हमारे पास उस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कौन सा जजमेंट वहां लिख के आएंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले निहायत ही इंपॉर्टेंट। आप देखोगे जब भी मेरे केस लॉज या कोई भी सीक्वेंस है पढ़ाने का, आई स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट
एंड बेरेक में आई स्टार्ट विद द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहां पर भी जो सीरीज चलने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है. पहला केस में आपको यह बोला गया है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ध्यान रखने के लिए बोला गया है जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दे रहे हो. कह सकते हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए एक तरीके का गाइडलाइन दिया है या एक तरीके का कंडीशंस या क्वेश्चंस आपको मद्देनजर रखना है जब आप एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री किसी पर्सन को दे रहे हैं. तो कमल कुमार वर्सेस प्रेमलता जोशी 2009. देखो काफी सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए जो कि 2018 के पहले के हैं, लेकिन 2018 के बाद जो अमेंडेड सेक्शंस है उनसे रिलेटेड केसेस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, जैसे स्पेशली आपको सेक्शन 20 दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट 2018 से पहले जो आया था उस पर आपको काफी सारे पॉइंटर्स या काफी सारे केसेस दिखेंगे. हमको वो केसेस नहीं पढ़ने क्योंकि अब वो हमारे काम के नहीं है. हां जी आर्यन जी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी. ओके, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप जरा ग्रुप्स में बने रहे. ओके क्लियर. तो अब देखो यहां पर ये 5 पॉइंट्स है जो हमको देखने हैं. पहला पॉइंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमको ग्रांट कौन से सेक्शन में करता है? सेक्शन नंबर 10 में ग्रांट करता है. सब्जेक्ट टू, नो डाउट अब ये मैंडेटरी तो बन चुका है. सब्जेक्ट टू आर सेक्शन 11, 2, 14 एंड 16. क्लियर है ये चीज? अब जब हम सेक्शन नंबर 10 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करा रहे हैं, संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन करा रहे हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है. पहला है, where there exists a valid contract between the parties. Valid contract मतलब आपके contract के section number 10, section number 11, section number 23 किसका? Indian Contract Act की सारी conditions fulfill होनी चाहिए. मतलब void agreement नहीं होना चाहिए, void contract नहीं होना चाहिए, हमारा contract valid होना चाहिए. Clear है? Okay, good morning कार्तिके, सोहन जी, शालू जी, I want to join the group. Okay. ठीक है, गुड मॉर्निंग सारिका जी. दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखना है, वेदर द प्लेंटिफ हैज बीन रेडी एंड विलिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ में आपका एक लैटिन मैक्सिम भी है जो ये कहता है दैट ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी. अनजस्ट बेनिफिट्स आपको नहीं लेना है. दूसरा पॉइंट है, ही हु सीक्स रेमेडी या ही हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स. प्लेंटिफ भैया, आप अपने बिहाफ पे कोई गलती नहीं करके आओगे. यू हैव टू प्रूव कि आप रेडी और विलिंग हो. मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, मैं तो अपनी साइड से बाबा रेडी और विलिंग हूं, मैं परफॉर्म करने चाहती हूँ. जो सामने वाला व्यक्ति है ये परफॉर्म नहीं करना चाहता. और ये कहां दे रखा है? ये रेडी एंड विलिंग का हमें सेगमेंट दे रखा है सेक्शन 16C में. सेक्शन 16 मेंशंस अबाउट पर्सनल बार्स. तो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री देते हुए कौन कौन से सेक्शंस को इस केस में छू के आया है ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहां दे रखा है, अच्छा आगे सुनो, वेदर ही स्टिल रेडी, आगे का अपना पार्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए भी रेडी है कि नहीं है. ये पार्ट परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें यह देखना है क्योंकि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का आप कह सकते हो अलग अलग स्टेजेस होता है. जब तक प्लेंटिफ अपना रेडी और विलिंगनेस नहीं दिखाए, जब तक प्रोमिसी भी अपना रेडी और विलिंगनेस नहीं दिखाए, प्रोमिसर कैसे परफॉर्म करेगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी मैम प्लीज कम एंड पेंट माई हाउस, ओके फाइन, यू आर अ प्रोमिसी, आई एम अ प्रोमिसर, आई नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. आई केम टू योर हाउस, आई नॉक द डोर बट यू आर नॉट ओपनिंग द डोर. कोली नहीं रोगेट, मैम को तड़पने दो, बाहर धूप बारिश में बैठी रहेंगी मैम, बहुत ज्यादा हमको पढ़ाती रहती है, रुकती नहीं है, है ना? तो यू आर नॉट अलाउइंग मी, so on your part I can prove that you are not ready and willing to perform your part. आप जब मुझे allow करोगे तभी तो I will come into your house and paint. बाहर से थोड़ा ना paint करके जाऊंगी मैं. Understood? So यहाँ पे plaintiff को बोलना, बताना पड़ेगा मैं ready हूँ, मैं gate दरवाजा सब खोल दिया, मैम को सीढ़ी दे दी, मैम paint ही नहीं कर रही है, मैं तो आगे का amount भी advance भी दे दिया and remaining amount भी देने को तैयार हूँ. Clear? सेकेंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन है वेदर द प्लेंटिफ हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसने अपने पार्ट का परफॉर्म किया कि नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को. कॉन्ट्रैक्ट का कई बार ऐसा नेचर है कि जब तक आपका सामने वाला पार्टी परफॉर्म ना करे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप देखोगे सेक्शन नंबर 40, 41, 42, आपको रियलाइज होगा कि काफी जगह ऐसी चीजें दे रखी है कि अनटिल एंड अनलेस प्रोमिसी परफॉर्म करे, प्रोमिसर परफॉर्म नहीं करेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द अनदर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस विच इज टू बी परफॉर्म बाय अनदर पर्सन, देन फर्स्ट दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड. ओके क्लियर. तो यहां पे आपके प्लेंटिफ ने उसका परफॉर्म पार्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए. हम ये देखेंगे
किस एक्सटेंट तक उसने परफॉर्म किया है, कौन से मैनर में उसने परफॉर्म किया है, और क्या वो परफॉर्मेंस वाज इन कन्फर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है, क्या वह उसी शर्तों के अनुरूप था जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, या उसके कुछ अलग तरीके से। आपको पता है जब हम स्टार्टिंग के सेक्शंस पढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी और प्रिलिमिनरी सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो कहता है कि जो मैनर आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है उसी मैनर में आप परफॉर्म करें। इफ आई हैव आस्क्ड यू टू रैप दिस ग्लास इनटू अ न्यूज़पेपर इनटू अ रैपर, तो आपको उसी तरीके से रैप करके भेजना पड़ेगा, ऐसे खुला नहीं भेज सकते हो आप। ओके, सो जो अगर मैनर आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है उसमें आपने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। फोर्थ क्वेश्चन दैट यू नीड टू सी इज वेदर इट विल बी इक्विटेबल टू ग्रांट द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और नॉट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन से लॉस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। दैट इज कि हमें ये ध्यान रखना है किसी के साथ भी अनजस्ट ना हो, कुछ भी इनजस्टिस किसी के साथ कॉज ना हो। ऐसा नहीं है कि हम प्लेंटिफ को अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दे दें तो किसी भी तरीके से डिफेंडेंट का कोई राइट हैम्पर हो या वॉयलेशन हो। डन। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है, वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू एनी अदर ऑल्टरनेटिव रिलीफ। ऑल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में हमारे पास दो सेक्शन, सेक्शन 22 एंड सेक्शन नंबर 29। 22 में हमें क्या बोला है? जब हम इमोबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिए हैं तो उस केस में पोजेशन, पार्टीशन, अर्नेस्ट मनी का रिफंड, इन सब चीजों की हम रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं क्या? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव रेमेडी, सेकेंड ऑल्टरनेटिव रेमेडी 29 में, साहब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर दीजिए। दिस कैन बी आस्क्ड बाय प्लेंटिफ। तो यहाँ पे कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कोई और रेमेडी हम दे सकते हैं क्या, या उसके अलावा कोई और रेमेडी दे सकते हैं क्या। दीज फाइव थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड बाय ऑल द कंसर्न कोर्ट्स व्हाइल ग्रांटिंग द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर एडवोकेसी कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो, तो ये केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, प्लेंटिफ से ज्यादा डिफेंडेंट के लिए। कैन आई से कि दीज पॉइंटर्स आर मोर हेल्पफुल फॉर अ डिफेंडेंट टू प्रूव कि साहब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कि साहब प्लेंटिफ रेडी एंड विलिंग नहीं था, कि साहब प्लेंटिफ ने अपने साइड का परफॉर्मेंस नहीं किया है, उसके पास दूसरी रिलीफ है, दूसरी रिलीफ दे दो, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करने वाला हूं। तो हम कह सकते हैं कि ये पांच पॉइंट्स प्लेंटिफ को भी प्रूफ करने पड़ेंगे, एंड इन केस प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूफ एनी ऑफ दीज पॉइंटर्स या ऑल दीज पॉइंट्स, तो हम डिफेंडेंट को डिफेंडेंट के फेवर में अपना जजमेंट दे सकते हैं, एंड वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ ग्रांट नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो ये दोनों ही पक्ष से इंपॉर्टेंट है। मतलब इस केस को देख के हम ये कह सकते हैं कि प्लेंटिफ हमेशा ये मेक श्योर करेगा कि उसके पार्ट पे कोई गलती नहीं हुई है। नाउ व्हाई दीज पॉइंटर्स हैव बीन इंसर्टेड इन दिस केस और दिस केस इज कंसिडर्ड टू बी अ लैंडमार्क केस, रीजन बीइंग कि ये हमारे डिफेंडेंट्स के राइट्स को इंश्योर कर रहा है, डिफेंडेंट का राइट हैम्पर ना हो, डिफेंडेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े, उसके लिए केस है। ओके अरविंद जी, चलेंगे अगले केस की तरफ। ये केस आप सबके प्लस के स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि प्लस के स्टूडेंट्स पे मेरा एक कह सकते हो कि कमांड है, या मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि कौन कौन प्लस के स्टूडेंट्स है, कितना रेगुलर पढ़ रहे हैं। सो आई एम रियली ऑब्जर्विंग ऑल दोस प्लस स्टूडेंट की जिन्होंने हमने SRA किया है, साथ में मिलकर बैठ के आपने नोट्स बनाए हैं, और वहां पर यह केस लॉ आपके नोट्स में दिखना ही दिखना चाहिए। ठीक है, ये PDF शेयर हो जाएगी, लेकिन जरूरी है कि आप इन पॉइंटर्स को समझें। ओके, ये हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में। नेक्स्ट जो हमारे सामने केस लॉ है, दैट सेज सत्या जैन वर्सेस अनिस अहमद 2013 का केस। बोला जा रहा है रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट कैन नॉट बी डिनाइड ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन अ ग्राउंड ऑफ एफ्लक्स ऑफ टाइम। ये एफ्लक्स ऑफ टाइम हम कहीं पढ़ के आए थे, जिन्होंने TP एक्ट पढ़ लिया है अभी तक, ये लैंग्वेज आपको दिखेगी सेक्शन 111, दैट इज टर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। आप इस लैंग्वेज को कहां से लिंक करेंगे? देखो, लिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट लिंकिंग नीड नॉट ऑलवेज बी डन विद ओनली दोस कॉन्सेप्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉन्सेप्ट दैट यू आर स्टडिंग। लिंकिंग आप हर उस वर्ड से कर सकते हैं। आपको पता है ना, सर ने अभी अल्फा आपका लिंकिंग लिया था, ABCD वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं, बी से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि सिमिलर मीनिंग आपका होल्ड करते हैं। तो अगर आपने कोई वर्ड पढ़ा है तो यू शुड एंड यू हैव टू डेवलप दैट स्किल ऑफ रिकॉलिंग दोज वर्ड्स। क्लियर? तो यहां पे एफ्लक्स ऑफ टाइम एक ग्राउंड बनता है हमारा लीज के डिटर्मिनेशन होने के लिए। ठीक है,
या बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस ग्राउंड पे आप नहीं दोगे कि आपका टाइम निकल चुका है एंड देयर इज एन एस्केलेशन इन द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी. इसका फैक्ट्स या आप इलस्ट्रेशन इस तरीके से सुनिए. मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टू सेल किया, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, अभी सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल किया मैंने, क्योंकि सेल हो जाता तो ओनरशिप आपको मिल जाती. अभी एग्रीमेंट टू सेल किया, दैट इज आज हम एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी मैं देने वाली हूं, प्रोवाइडेड कि हम पर्टिकुलर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करें. ठीक है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का डिफरेंस. नाउ यू सी, मैंने आपसे एग्रीमेंट टू सेल किया कि आप मुझे अपनी 1,00,000 की प्रॉपर्टी देने वाले हैं. बोले ठीक है मैम. हमने बोला आज से 2 साल बाद इसका सेल डीड करेंगे ना, सेल डीड को एग्जीक्यूट करेंगे. अब हुआ ये 2 साल निकल गए, एफ्लक्स ऑफ टाइम, उसके बाद प्राइसेस हाइक हो गई, है ना, प्राइसेस हाइक हो जाती है. जैसे अनअकैडमी में प्राइसेस हाइक हो जाती है तो सही समय पे हमें कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. तो जब प्राइसेस हाइक हो गई, अब वो 1,00,000 की जो कीमत थी जमीन की वो 2,00,000 हो गई. Now you cannot deny कि sorry ma'am, मैं अब आपको ये property नहीं दूंगा because escalation of the prices of the property, prices बढ़ चुकी है, मैं आपको 1,00,000 में नहीं दूंगा, मैं तो 2,00,000 में दूंगा. I will go to the court, ask for the specific performance against you. और उस वक्त court cannot deny me for specific performance इस ground पे कि मैम आपने जो बच्चों से प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया था उसकी प्राइसेस बढ़ गई है. मैं क्या करूं, बढ़ गई तो. हमने जब एग्रीमेंट किया था 1,00,000 पे किया था, मेरे को तो 1,00,000 पे चाहिए. अंडरस्टूड, क्लियर है? तो आपका ये ग्राउंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिनाई करने का नहीं होगा. कोर्ट कैन आस्क यू टू परफॉर्म इट. ओके, नमस्ते सन ऑफ बिहार मनीष कुमार जी, नमस्ते. ठीक है अजय जी, गुड मॉर्निंग. क्लियर, चलेंगे अगले केस की तरफ, जो कि कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर नॉट एनफोर्सिएबल. हमने सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ा था, 41, सेक्शन नंबर 41 पढ़ा था हमने. 41 आपको क्या कहता है, वो सारे ग्राउंड्स बताता है जहां पे हम इंजंक्शन को रिफ्यूज कर सकते हैं. उसमें से एक हमारा ग्राउंड कौन सा है, वो ये है कि when the contract is not enforceable, तो उसके ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं करोगे. याद आ रहा है सबको, सेक्शन नंबर 41, वी हैव अ क्लॉज विच सेज दैट इंजंक्शन विल नॉट बी ग्रांट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल, जिसको आप परिवर्तनीय नहीं करवा सकते हो, जो लॉ की नजरों में वैलिड नहीं है, उसके ब्रीच को रोकने के लिए इंजंक्शन कैसे मिलेगा बाबा, नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड, क्लियर? वैसे के वैसे क्या एक माइनर के साथ अगर मैं एग्रीमेंट करूं वैलिड होगा, नहीं होगा, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड. मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, परफेक्ट. जब आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया वो एनफोर्सिएबल नहीं है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कराओगे? इफ आई टुडे एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर कि बेटा आपको ना हम 1 महीने तक अन अकेडमी में पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे, उसने 1 महीने का कोर्स खरीद लिया, पैसा नहीं दिया. आई cannot actually enforce this contract against a minor. Minor के against नहीं हो सकता. इसीलिए आप देखो कई बार जैसे कुछ institutes हैं जहाँ पे छोटे बच्चा अगर कोर्स खरीदते हैं ना, 3rd, 4th, 5th, 6th के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स खरीदते हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स से बात होती है, बच्चे से बात नहीं होती है. वो बच्चे को पार्टी नहीं बनाते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं. अंडरस्टूड, क्लियर है? तो अगर हम माइनर के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, रीजन बीइंग एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड. क्लियर? Done. इसको आप किसके साथ पढ़ेंगे? This will be read with section number 11 of Indian Contract Act. Also, void agreements के साथ पढ़ेंगे. ठीक है? Right, Aryan जी? Parents के behalf पे उनका क्या होता है? Contract होता है. Clear? Am I right in stating section number 11? Karthikey जी, Aryan जी, B.S. Bohra जी, Saurabh जी, she 12 mentions about the unsoundness, sound and unsoundness of mind. Perfect. आगे चलेंगे. नेक्स्ट केस है. अच्छा, मैंने इस केस का नाम तो सुन लो. श्री कालूलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुरासुबा. ठीक है, अब सुनो. नेक्स्ट केस, रिसेंटली हमने इस मुद्दे के बारे में डिस्कस किया था प्लस कोर्स में भी, जो कि है आपका जेपी बिल्डर्स वर्सेस रामदास राव 2010 का केस है. हम सेक्शन नंबर 16 सी में क्या बोलते हैं कि अगर प्लेंटिफ यू आर कमिंग टू कोर्ट, यू हैव टू सी दैट आपने अपनी साइड से कोई गलती नहीं की है,
पर्सनल बार्स, यू आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। इस केस ने एक्चुअली बताया द डिफरेंस बिटवीन रेडीनेस एंड विलिंगनेस। हरियाणा मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, दैट डिफरेंस बिटवीन रेडीनेस एंड विलिंगनेस क्या है, इज देयर any similarity between the two terms, या फिर ये दोनों synonyms हैं या फिर opposite हैं, antonyms हैं कि क्या हैं। और हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तैयार रहना और रजामंद रहना पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची नहीं है, उल्टा ये विलोम है। क्यों? क्योंकि रेडी रहना जरूरी नहीं है कि विलिंग है, विलिंग है तो नॉट नेसेसरी रेडी है। मैं क्लास लेने के लिए रेडी हूं, एकदम टिप टॉप बन ठन के आ गई, सब कुछ तैयार है, ठीक है, लेकिन मैं विलिंग नहीं हूं, मेरी इच्छा नहीं है, है ना। मान लीजिए मेरी किसी कारणवश इच्छा नहीं है आज पढ़ाने की, तो मैं रेडी तो हूं, कैमरा वगैरह सब कुछ तैयार है, वो कैपेसिटी अपने आप में डन है, लेकिन मेरा जो डिजायर है, मेरी जो विल है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो वांट है, वो आपको पढ़ाने की नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, बोल मत देना अनअकैडमी को जाके मैम बोल रही है पढ़ाने का मन नहीं है, पढ़ाने का मन है तभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया जहां मैं रेडी हूं बट मैं विलिंग नहीं हूं। लेकिन दूसरी साइड, मैं बराबर विलिंग हूं पूरी इच्छा से, आज तो भैया 6 घंटे की क्लास लेंगे, एग्जाम्पल, ओके, नहीं लेंगे हम, लेकिन मैं रेडी नहीं हूं, रीजन बीइंग कैमरा नहीं चल रहा है, लाइट्स नहीं है, या कैमरा को कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, नेटवर्क नहीं है, तो अपनी साइड से मैं कह सकते हो फाइनेंशियली या रिसोर्स के वजह से केपेबल नहीं हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडीनेस एंड विलिंगनेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस कैन बी आज इन इंटरव्यू ऑल्सो, और मेंस में ऐसा सवाल आया तो आप जरूर लिख के आएंगे, ठीक है। इस केस में इन्होंने बताया सेक्शन 16C में मैंडेटरी किया गया, क्या मैंडेटरी किया है, रेडीनेस एंड विलिंगनेस ऑफ द प्लेंटिफ, एंड ये कंडीशन प्रिसीडेंट है, कंडीशन प्रिसीडेंट किधर दे रखा है टीपी एक्ट में। तीन चीजें पढ़ी थी हमने जब मैंने टीपी एक्ट का सेशन लिया था यूट्यूब पर भी, सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर, उसके नीचे दो सेगमेंट, कंडीशन प्रिसीडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन प्रिसीडेंट सेक्शन नंबर 26, कंडीशन सब्सिक्वेंट सेक्शन नंबर 29। तो ये सिर्फ कनेक्ट किया हमने ना, इसका यहां पे कोई लिंकिंग नहीं है। सेक्शन नंबर 16C में मैंडेटरी है, आप अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हो तो पहले ये कंडीशन, प्रायर कंडीशन फुलफिल करके आएगा प्लेंटिफ कि साहब मैं रेडी एंड विलिंग हूं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट रेडीनेस रेफर्स टू फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, रिसोर्स कैपेसिटी, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, ठीक है। आशुतोष मिश्रा जी, फ्री तो नहीं होगी, फ्री तो नहीं होगी मतलब आशुतोष जी क्या, YouTube पे सारी क्लासेस फ्री हैं, ठीक है, प्लस स्पेशल क्लास कभी कभी होती है, डेफिनेटली होती है, वंस और ट्वाइस इन अ वीक हो जाती है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, आर्यन जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, मैम 5 बजे अगर सुबह क्लास होगी तो बच्चे रेडी तो होंगे बट विलिंग नहीं होंगे, है ना, रेडी होंगे, आँख खोल लेंगे, फोन को चार्जर में डाल देंगे और अपना वाईफाई वगैरह सब कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन विलिंग नहीं होंगे। एंड बिना विलिंगनेस अगर पढ़ाई की है आपने, तो आपको पता है कि अपन ने अपने को बेवकूफ बनाया है, और पढ़ाई के वक्त पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लो, खुद को बेवकूफ मत बनाना। किताब लेके बैठे हम 2 घंटे वेस्ट कर दिए, 2 घंटे बाद रियलाइज होगा आपको कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, क्लियर है। तो रात को सोते हुए आपको ये गिल्ट महसूस हो जिस दिन कि यार आज मैंने किताब तो लेके बैठा, कुछ खास काम भी नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं की, तो वो आपको बता देगा कि आप किस लेवल पे खड़े हो और आपने जो किया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विलिंगनेस क्या होता है, विलिंगनेस मींस कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ वांटिंग द परफॉर्मेंस, प्लेंटिफ अपनी साइड से परफॉर्मेंस करना चाहता है कि नहीं चाहता है। यहां पे आप विलिंगनेस के पास लिखेंगे वर्ड विल, डिजायर, वॉन्ट, इच्छा, रजामंद, तो तैयार रहना, रजामंद रहना, दो अलग अलग चीजें हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, निर्मला बालादासी वर्सेस सुदर्शन जना 1980 का केस। आपको पता होगा जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं वहां पे जॉइंट प्रॉमिसर्स और जॉइंट प्रॉमिसी के बारे में पढ़ते हैं। हमको पता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंट प्रॉमिसर्स के अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हैं, जॉइंट प्रॉमिसीज, जॉइंट प्रॉमिसर्स के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरे के अगेंस्ट नहीं। जब हम सेक्शन 42, 43, 44, 45 देखेंगे, वी विल रियलाइज दैट। इस केस में यही बोला गया है दैट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो सूट है वो किसके अगेंस्ट हो सकती है, सूट फॉर स्पेसिफिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन जॉइंट प्रॉमिसी इज मेंटेनेबल। यहां पे जॉइंट प्रॉमिसर भी ला सकता है सूट, यहां पे जॉइंट प्रॉमिसी भी ला सकता है। चार व्यक्ति हैं,
चार व्यक्तियों ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैम आप हमें पढ़ाएंगी। मैंने बोला पढ़ाएंगे। इन चारों स्टूडेंट्स को एक ही फीस में पढ़ाने के लिए मैंने हांजी भर दी। अब हुआ ये, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तो ये मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकते हैं। चारों में से कोई एक लेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट इन चारों के साथ है तो, अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ है तो इंडिविजुअल लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सब जॉइंट प्रॉमिसी है, आई एम अ सिंगल प्रॉमिसर, इनमें से कोई भी मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकता है। अब ये एग्जाम्पल मुझे पता है, बोलोगे मैम पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन का एक बार मुद्दा साइड में रख दो। नो डाउट पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए हम कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं जा सकते हैं। यूट्यूब पर रेगुलर क्लास लीजिए मैम। अजय जी क्या बात कर रहे हो, रेगुलर आए यूट्यूब पे? रोज देखना चाहते हो आप हमें, हैं? रोज देखना चाहते हो? चलो कोशिश करेंगे रेगुलर आने की, ठीक है। केस विद्यादम वर्सेस वेरावन, वेरावन देख लो छोटू त्यागी, रावण आ गया है। वेरावन 1997 का है, हम लोगों के जन्मों के आसपास का है, है ना। मियरली बिकॉज एन एग्रीमेंट मेंशंस पर्टिकुलर सम पेबल बाय अ डिफॉल्टिंग पार्टी। यस, कोई कनेक्ट कर सकता है सेक्शन को? मैंने खुद ही लिंक करके रख दिया यहां पे सेक्शन आप सबके लिए। टू अदर दैट शैल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक सम पेबल ऑलरेडी मेंशन कर दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते हैं। मतलब ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 23, दैट इज इफ यू हैव लिक्विडेटेड द डैमेजेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट अ बार फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। मैम केस फाइव में कौन सा सेक्शन है? केस फाइव में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस मेंशन करोगे आप? दीहू जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस मेंशन करोगे या फिर आप यहाँ पे सेक्शन 15 और 19 को कनेक्ट कर सकते हैं। 15 एंड 19 विच मेंशंस कि हु कैन फाइल अ सूट और हु कैन ऑब्टेन रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड 19 अगेंस्ट हुम वी कैन सीक द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्लियर। तो यहां पे सूट कौन ला सकता है? जॉइंट प्रॉमिसी ला सकता है, जॉइंट प्रॉमिसर भी ला सकता है, क्लियर है? इज इट क्लियर दीहू जी? सेक्शन 19 एंड 15 कनेक्ट करेंगे, यहां पे सेक्शन 23 कनेक्ट करना है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया कि आपने ब्रीच किया, आपने मेरे को 100 बैग्स ऑफ सीमेंट नहीं भेजा है तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैंने भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में वो 10 लाख रुपए का पर्टिकुलर सम पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, उसका ये मतलब नहीं है। आप ये अनुमान लगा लो 10 लाख ही तो मेंशन किया है मैम ने, 10 लाख रुपए दे देंगे मैम को, छुट्टी करेंगे मैम की और उसके बाद आराम से बैठेंगे। लेकिन मैं फिर भी कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट फाइल कर सकती हूं, वो डिक्री के लिए एंटाइटल्ड हूं क्योंकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑप्शन नहीं दिया था बेटा कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करोगे, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करोगे, मुझे 100 बैग्स नहीं दोगे तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे मैम। नहीं, ऐसे सोचो न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे। और ऐसा एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखेगा आपको जहां पे हमने डैमेजेस को लिक्विडेट नहीं किया। अगर आज मैं किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रही हूं तो वो इंस्टीट्यूट भी मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मैम समय अवधि खत्म होने से पहले अगर आप बिना नोटिस दिए गए तो आपके ऊपर इतना डैमेजेस लगेगा, हमको ये क्षतिपूर्ति आप करके दोगे। तो मैं ये सोच लूं कि चलो ठीक है उस इंस्टीट्यूट ने मुझे ऑप्शन दे दिया ना, मैं डैमेजेस पे करके निकल सकती हूं। सेक्शन 23 सेज दैट यू हैव टू प्रूफ कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस इसलिए नहीं लिक्विडेट किए थे ताकि आप डिफॉल्टिंग पार्टी को एक ऑप्शन दे दो कि डैमेजेस चूज कर लो और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर हमने डैमेजेस को लिक्विडेट कर रखा है तो भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं। हमको पैसा नहीं मांगता है, हमने डैमेजेस इसलिए लिक्विडेट किए थे ताकि आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके, सिक्योर कर सके, क्लियर है? गुड पूजा जी, लिक्विडेशन नॉट अ बार फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके। मैम क्वेश्चन एंड आंसर प्लान कीजिए डेफिनेटली आशुतोष जी, बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लिंक होगा? सेक्शन नंबर 23। कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, पी डिसूजा वर्सेस शोंद्रिलो नायडू, 2004 का केस है। यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए कुछ बोला गया, तो डिफेंडेंट आप जो है ना वो एडवांटेज नहीं लोगे। किस चीज का एडवांटेज नहीं लेंगे? डिफेंडेंट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। एक तो गलती कर ली, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ऐसा अलाउड नहीं है। एंड देन प्लीड द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
डिफेंडेंट खुद गलती करके आए और फिर बोले कि मैम को बोलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेंगे। आपने खुद गलती की, मैम आपको 1000 बार फोन कर चुकी है, मेल कर चुकी है, हर तरीके से आपको कॉन्टैक्ट कर चुकी है, लेटर भेज दिया, कबूतर को भेज दिया, सबको भेज दिया कि मुझे कहाँ पढ़ाना है बताओ, आई एम कमिंग टू योर होम, यू आर नॉट ओपनिंग द गेट। तो आप डिफॉल्टिंग पार्टी हो। नाउ यू कैन नॉट आस्क मैम टू डू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट वुड बी अनफेयर, वुड बी अनफेयर एडवांटेज टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को अगर उससे कोई भी आप कह सकते हो इनजस्टिस हो रहा है या वो अनएडवांटेजियस है प्लेंटिफ के लिए, डिफेंडेंट अपनी गलती का फायदा उठा के प्लेंटिफ के विरुद्ध स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं ले सकता। क्लियर, डन है ये? आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे? सेक्शन नंबर 10 के साथ कनेक्ट करेंगे और सेक्शन नंबर 16 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल बार्स। ठीक है, पर्सनल बार 16 में प्लेंटिफ के लिए है, लेकिन ये डिफेंडेंट के पर्सनल बार्स की बात कर रहा है, तो हमने पर्सनल बार्स की वजह से इसको सेक्शन नंबर 16 के साथ क्या किया है, करेक्ट किया है। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टा, ईमेल, एफबी सब पर इसमें से सिर्फ ईमेल का ऑप्शन रहता है ना पूजा जी, बाकी कोई भी ऑप्शन आई नेवर रिसॉर्ट। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम सबसे बढ़िया। जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह 1992, एन अमेंडमेंट एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड रिलेटिंग टू कॉम्पेंसेशन इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बात खत्म। ये कहां से आया है? ये आया है हमारे पास सेक्शन नंबर 21, जो कि कहता है कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा, प्रतिकर मिलेगा। कब मिलेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वक्त, विनिर्दिष्ट पालना के वक्त आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। मैंने चार्ट भी बनवाया था आपको कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वक्त कॉम्पनसेशन कब ले सकते हैं। अगर कोर्ट को उचित लगता है आपको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, लेकिन आपको पता होगा जब हम सेक्शन 21 पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट पास में लेके बैठेंगे, जो जो मैं सेक्शन बोल रही हूं वो जरूर मार्क करते हुए चलेंगे और अपने नोट्स में रफली ये क्वेश्चन जरूर, सॉरी ये केसेस जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, सेक्शन 21 के आगे के प्रोविजंस हमें ये कहते हैं कि मैम अगर आपने अमेंडमेंट, सॉरी अगर आपने कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं किया है अपने प्लेंट में, देन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कोर्ट आपको अमेंडमेंट के लिए अलाउ करे। कोर्ट विल अलाउ यू फॉर द अमेंडमेंट, अगर अलाउ करता है तो अपनी प्लेंट को अमेंड कीजिए, उसमें कॉम्पनसेशन डिमांड कीजिए, फिर ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यू विल गेट ओनली दैट रिलीफ विच यू हैव सीक्ड और विच यू हैव क्लेम्ड, अदरवाइज नो रिलीफ। क्लियर, डन। नेक्स्ट, इसको आप कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 21। नेक्स्ट, अंबालाल साराभाई एंटरप्राइज वर्सेस इंफ्रास्पेस 2019, रीसेंट केस है। क्या कहता है इंजंक्शन के बारे में? टेम्पररी प्लेंटिफ सीकिंग टेम्पररी इंजंक्शन इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट हैज टू शो स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस। द कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ विल ऑल्सो बी वेरी रेलिवेंट कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन मतलब सेक्शन नंबर 37 से कनेक्ट करेंगे। यस, सेक्शन नंबर 37 से कनेक्ट करेंगे, जो कि आपको बोलता है परमानेंट इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, एंड कनेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर 39 से, जो कि बात करता है कि हम अस्थायी व्यादेश कौन से मामलों में दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग भूमि जी, क्लियर? हाँ जी सोनाली जी, बताइए। यहां पे ये बोला है कि जब आपका प्लेंटिफ टेम्पररी इंजंक्शन की डिमांड करता है ना सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, हमने सेक्शन नंबर 42 में क्या पढ़ा? दो चीजें पढ़ी। अगर आप पॉजिटिव एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देखते, कोई बात नहीं मैम, नहीं दे सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए, नेगेटिव एग्रीमेंट के एनफोर्समेंट के लिए इंजंक्शन ला सकते हैं। तो वैसे ही मामले में जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट फाइल कर रहा है और उसने टेम्पररी इंजंक्शन डिमांड किया है, उस वक्त प्लेंटिफ को ये शो करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी केस बनता है, प्राइमा फेसी केस बनता है, और साहब मैं दूध का धुला हुआ हूं, मैं अपनी साइड से कोई गलती नहीं करके आया हूं, मेरा कंडक्ट रेलेवेंट है, तो देख लो मेरा कंडक्ट, मैं सेक्शन 16 के किसी सेगमेंट में फॉल नहीं करता हूं, नो पर्सनल बार्स। क्लियर, तो प्लेंटिफ ये मेक श्योर करे कि आप अपनी कोई भी गलती करके नहीं आए हो। नेक्स्ट, आर लक्ष्मीनाथम वर्सेस देवाराजी, डिले टू फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई रिलीफ इफ इट वॉज फाइल विद इन द लिमिटेशन पीरियड, डिले कैन नॉट बी पुट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। देखो, डिले और लिमिटेशन दो अलग चीज है। ठीक है,
लिमिटेशन, मान लीजिए आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर लिमिटेशन दिया 3 ईयर्स, ओके, लिमिटेशन दिया 3 ईयर्स, ठीक। यदि कॉन्ट्रैक्ट को आपने परफॉर्म नहीं किया तो मैं 2.5 साल बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट लाती हूं, तो ये 2.5 साल के डीले की बात कर रहा है। 2.5 साल तक मैंने डीले किया तो उसका ये मतलब नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल किया। नो डाउट मैंने डीले पर तो जरूर फाइल किया, मेरे से 2.5 साल का डीले तो हुआ, लेकिन मैंने विद इन लिमिटेशन पीरियड फाइल किया है, यस और नो? 3 साल का लिमिटेशन पीरियड दे रखा था मैंने, 2.5 साल बाद, आपने 2.5 साल पहले ब्रीच कर दिया था, मैंने 2.5 साल बाद अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट फाइल की, तो मैंने डीले कितना किया? 2.5 साल का किया, लेकिन अभी भी लिमिटेशन पीरियड में है ना, यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी भी लिमिटेशन पीरियड में तो है ना, तो आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिनाई नहीं करोगे। डीले कैन नॉट बी पुट अगेंस्ट प्लेंटिफ। क्या हो गया अगर मैं 2.5 साल तक सो रही थी तो? क्या हो गया अगर मैं 2.5 साल सो, मैं लिमिटेशन पीरियड में हूं ना, प्लेंटिफ को अपने अधिकारों के बारे में समझ ही 2.5 साल बाद आया, बट आई एम स्टिल विद इन माई लिमिटेशन पीरियड। मैंने देरी जरूर की है, लेकिन अभी भी समय सीमा के अंदर मैंने सूट फाइल किया, अभी भी वाद दाखिल करने का अवधि समाप्त नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? तो इस लाइन में कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या कहना चाहता है, डिले भी किया लेकिन विद इन लिमिटेशन पीरियड है। लिमिटेशन पीरियड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपने बहुत समय बाद सूट फाइल किया, तो आपको मना नहीं किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, श्रीमती नारायणम वर्सेस श्री गोविंदप्पा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इलीगल एग्रीमेंट टू सेल कांट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। इलीगल एग्रीमेंट है, हमको पता है कोई भी एग्रीमेंट जो कि इलीगल है या वॉइड है, दैट इज टू से any agreement or contract which is not enforceable, उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, हम specific performance नहीं ला सकते। हमारा section number 41 भी यही कहता है कि ऐसा कोई भी agreement जो कि enforceable नहीं है, contract enforceable नहीं है, आप उसके लिए injunction नहीं ला सकते हो, ठीक है? वेरी गुड दीपक जी, दीपक जी ने इतना बेहतरीन तरीके से इसका स्पष्टीकरण लिखा है। लिखते हैं, देरी परिसीमा में हो तो अधिकार सुरक्षित है। वेरी गुड दीपक जी, वेरी इंप्रेस्ड बाय यू। कुछ कुछ स्टूडेंट्स इतना मतलब बेहतरीन इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन देता है ना, मन करता है कमेंट सेक्शन में से हाथ डाल के स्टूडेंट को बाहर निकालो और उसको सामने बैठा के अप्रिशिएट करो। वेरी गुड, पॉसिबल नहीं है, काश पॉसिबल हो पाता, आप सबको ऑनलाइन का ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास वाला मजा देते हैं, ठीक है? चलो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई भी इलीगल एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, वो कोर्ट क्या, प्लेंटिफ क्या नहीं करवा सकता, उसको परिवर्तनीय नहीं करवा सकता विनिर्दिष्ट रूप से, मतलब नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये किसके साथ जाएगा, इसको आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 ऑफ SRA, लिंक विद योर सेक्शन 10, 23 एंड 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? सुचा सिंह सोदी वर्सेस बलदेव राज वालिया, 2018 का केस है। क्या कहा जा रहा है यहां पे? यहां कहा जा रहा है दैट प्लेंटिफ कांट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट अगेंस्ट डिफेंडेंट ऑन अ कॉज ऑफ एक्शन ऑन विच ही हैज क्लेम्ड परमानेंट इंजंक्शन। क्या बोला इन्होंने? अगर किसी आधार पे, किसी ग्राउंड पे आपने परमानेंट इंजंक्शन मांग लिया ना प्लेंटिफ के ऊपर, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं ले सकते हो, आप डिफेंडेंट पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते हो। देखो, ऐसा केस समझने के लिए आपको इसके फैक्ट समझने जरूरी होंगे, अदरवाइज तो हमने बोला है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हो और आप इंजंक्शन भी मांग सकते हो, जैसे मैंडेटरी इंजंक्शन है ना। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होता है, जहां पे कोर्ट कैन कंपेल योर परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद यू प्रिवेंटिंग द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच से प्रिवेंट करवाने के लिए हम कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं, उसको बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। तो यहां पे ऐसी बात कर रहा है कि प्लेंटिफ कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाएगा उस ग्राउंड्स पे, उस कॉज ऑफ एक्शन पे जिसपे कि उसने परमानेंट इंजंक्शन ले लिया है। परमानेंट इंजंक्शन ले लिया है, शाश्वत व्यादेश जहां ले लिया है, फिर आप उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं जाओगे। डन?
इसके लिए आप कौन सा सेक्शन कनेक्ट करेंगे? इसके लिए आप कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 38 एज वेल एज सेक्शन नंबर 10. ओके, आगे सुरेंद्र कौर वर्सेस बहादुर सिंह. बहादुर सिंह से याद है, बहादुर जी काफी दिनों से क्लास में नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि वो पहले के बैच के, तो उन्होंने काफी सारी क्लासेस देख रखी है. गुड पॉइंट. रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेंशियल प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी लेने जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी इस ग्राउंड पे रिफ्यूज हो सकती है कि बाबा तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल प्रॉमिस को खुद ही फुलफिल नहीं किया है. एग्जाम्पल सुनेंगे इसमें कैसा होगा. मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया दैट मिस्टर बी एक काम करो, मुझे ना 100 केक पहुंचाओ. ठीक है, क्या है कि हमारे जो यहाँ पे लिंकिंग लॉस टीम है ना, स्पेशली हमारे जो सर हैं, उनको एक साल होने वाला है यहाँ पे ज्वाइन किए, लगभग हो गया एक साल. तो इस ओकेजन पे हमें 100 केक भिजवाए जाए. ठीक है, अब 100 केक हम मंगवा तो रहे हैं, लेकिन बी कौन है? बी फॉर बेवफा नहीं, बेकर. ठीक है, बी फॉर बेकर. तो ए ने बी को बोला, सिंस यू आर अ बेकर और बहुत अच्छी बेकरी चलती है, आप एक काम कीजिए 100 केक भिजवा दीजिए, हमको ना यहाँ पे सेलिब्रेशन करना है लिंकिंग लॉस टीम के साथ. हमने बोला ठीक है, हम भिजवा देंगे. लेकिन बी ने बोला, उससे पहले आप हमें 10,000 रुपीज एडवांस पे कीजिए. क्या था एडवांस? अर्नेस्ट मनी. प्रोवाइड दिस टू अस फर्स्ट. नाउ द पॉइंट इज कि अगर मिस्टर बी ये 100 केक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मैं मिस्टर बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फोर्स डेफिनेटली करूंगी कि नहीं, आपको केक लाने ही लाना पड़ेगा. लेकिन मैडम, क्या आपने एसेंशियल प्रॉमिस को परफॉर्म किया क्या? मैंने तो 10,000 रुपए एडवांस दिए ही नहीं, मैंने 10,000 रुपए एडवांस नहीं दिए, तो मेरी साइड से नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेंशियल प्रॉमिस हो गया है. सो नाउ द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी रिफ्यूज्ड. नाउ द कोर्ट विल आस्क मी, मैम डिड यू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट? सॉरी सर, आई डिड नॉट परफॉर्म. ओके मैम, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ इज रिफ्यूज टू यू, नहीं मिलेगा, कैंसिल. अंडरस्टूड दिस केस? ओके कार्तिके. सो यहां पे आप किसको कनेक्ट करने वाले हैं? यहां पे आपको एसेंशियल प्रॉमिस के लिए आप कह सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे. दैट इज कि आपके परफॉर्मर, दैट इज प्रोमिसर और प्रोमिसी को मिलके परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है प्रोमिसर के परफॉर्मेंस पे, तो प्रोमिसर को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुमार वर्सेस ओम प्रकाश 2018. अब विजय जी आ गए और ओम प्रकाश जी आ गए. कहते हैं प्लेंटिफ हैज टू प्रूफ एंड एस्टैब्लिश हिज रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक सबसिस्ट कर रहा था. साहब मैं हमेशा तैयार था यहां पर आके परफॉर्म करने को. जब एक क्रिकेट मैच के दौरान सारे फील्डर्स उस ग्राउंड में होते हैं, तो सारे ही प्लेयर्स थ्रू आउट द मैच रेडी एंड विलिंग थे, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो. वैसे के वैसे आपको बताना है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए था, मैं पूरे 2 साल तक के लिए रेडी एंड विलिंग था. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट सेक्शन नंबर 16C ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. ठीक है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा. अच्छा है योग्यता, बहुत गाने सुनती हूँ ऐसे ऐसे गाने सुन के ना, जिंदगी में दर्द ना हो तो भी न जाने क्यों दर्द लगने लगता है ना. मतलब कोई बेवफा ना भी हो ना, तो भी जो समझदार अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में ना, वो भी आपको बेवफा लगने लगता है. क्योंकि लाइफ में ऐसी स्टोरी लाइन होती नहीं है, लेकिन हमको फिर भी क्रिएट करनी होती है कि चलो अपनी लाइफ में भी एक बार क्रिएट करके देख ही लेते हैं, है ना. तो जबरदस्ती हम किसी को बेवफा मानने लग जाते हैं, जबकि होता नहीं है. और छोटी छोटी बातों पे फिर हम उसको बेवफा मानने लग लेंगे. अच्छा, नोट्स नहीं दिया, क्लास का टाइम नहीं बताया, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, बेवफा तेरा मासूम चेहरा. प्लेंटिफ हैज टू प्रूफ एंड एस्टैब्लिश कि वो हमेशा से रेडी और विलिंग था अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. ये वर्ड जो यहां पे आया ना, थ्रू आउट, दिस इज इंपॉर्टेंट. द पॉइंट वॉज
कि मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला मैम आप हमें अगले एक साल तक पढ़ाएंगी, मैंने बोला हाँ जी मैं आपको एक साल तक पढ़ाऊंगी, मैम हम आपको ना मंथली पेमेंट करेंगे, मैंने बोला ठीक है मंथली पेमेंट करते रहना, लेकिन मैम ने दो महीने पढ़ा उसके बाद पढ़ाना ही बंद कर दिया। यू हैव टू प्रूफ कि मैं पूरे एक साल तक के लिए हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट थी वो देने के लिए तैयार था, वो देने के लिए तैयार था। नेक्स्ट 16C कनेक्ट करेंगे यहां पे, फर्म राजस्थान उद्योग एंड अदर्स वर्सेस हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2020, क्या कहता है आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के बारे में बात करता है। आपको पता होगा हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 25, और वो कवर किया था हमने एकदम एंड में। सेक्शन नंबर 25 ने ये बोला है कि जो हमारे सेक्शन नंबर 9 से लेके 24 तक है वो किस पे अप्लाई होने वाले हैं। उन्होंने बोला वो उस पे अप्लाई होंगे जहां पर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के कोई भी ऐसे अवार्ड्स अप्लाई नहीं होते हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड फिक्सिंग प्राइस ऑफ लैंड कांट बी एग्जीक्यूटेड लाइक अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल एग्रीमेंट, क्योंकि आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड में एक प्रॉपर्टी का सेल अमाउंट फिक्स किया गया है। क्या फिक्स किया गया है यहाँ पे, सेल प्राइस फिक्स की गई है एक आर्बिट्रेशन अवार्ड में, तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जैसे कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री आई हो, आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री के तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। किसको नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, एक ऐसी आर्बिट्रेशन अवार्ड को जिसमें कि किसी प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस डिसाइड हुआ हो। अंडरस्टूड, क्लियर है ना? अच्छा, इसको आप कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 25 ऑफ एसआरए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएस वेंकटेश वर्सेस एएससी मूर्ति, plaintiff has to prove that he has means to generate consideration amount, मतलब कि बाबा मेरी financial capacity है, मेरी financial capacity है 16C। अगर मैं आपसे ये contract कर रही हूं कि आप मुझे कम से कम 10 करोड़ की जमीन देंगे, तो आई नीड टू प्रूफ myself या मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी पड़ेगी कि साहब मैं कम से कम 10 करोड़ का ये अमाउंट जनरेट करने के योग्य हूं। मैं खाली जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकती ना कि हाँ मैं 10 करोड़ देने को तैयार हूं, हाँ मैं 10 करोड़ देने को तैयार हूं। मैम डू यू हैव दिस मच ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, ऐसे कैसे नहीं है, अनअकैडमी पे पढ़ाते, समझ रहे हो? तो मतलब जब आप प्लेंटिफ का रेडीनेस एंड विलिंगनेस चैलेंज कर रहे हो, उस वक्त प्लेंटिफ को अपना रेडीनेस और विलिंगनेस तो दिखाना ही है, लेकिन उसके साथ जो यहां पे एसेंशियल चीज दिखानी है कि मैं केपेबल हूं वो कंसिडरेशन अमाउंट जनरेट करने के लिए, मैं इतना योग्य हूं मैं जाके बैंक बैलेंस दिखाऊं या अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाऊं, सैलरी स्लिप दिखाऊं, टैक्सेस दिखाऊं, दैट इज व्हेन आई विल बी एबल टू प्रूफ दैट हाउ एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम केपेबल टू जनरेट दैट कंसिडरेशन अमाउंट, वो जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं उसको जनरेट करने योग्य हूं। ठीक है, रोहित जी बोल रहे हैं ITPA 1994 की वीडियो अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल रोहित जी, मैं टीम को जरूर बात करूंगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यही करोगी योग्यता, UPSC नहीं करोगी है? गुड मॉर्निंग विशाल जी। हाँ दीपक जी, एब्सोल्युटली बैंक में धन पड़ा है या आप रेगुलर बेसिस पे, देखो आप अपनी जो हिस्ट्री बताओगे, आपको पता है जब आपको ना आपके बैंक अकाउंट में जब अच्छा खासा अमाउंट आने लग जाता है, अब जैसे हमारे जैसे अकाउंट डेड ही पड़े रहते हैं, है ना, कुछ जाते ही नहीं अकाउंट में, तो अपने को कोई फ़ोन नहीं करेगा, ना लोन वाले, ना डेबिट कार्ड क्रेडिट, ना कोई फ़ोन नहीं करेगा। लेकिन आपके अमाउंट में अगर रेगुलर बेसिस पे अच्छा अमाउंट आता जा रहा है तो बैंक वाले देख रहे हैं, हर दूसरे दिन आपको फोन घुमाएंगे, भैया डेबिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, बिकॉज दे नो कि आपकी कैपेसिटी है। इन दैट सेम वे यू नीड टू प्रूव इट टू द कोर्ट कि आप उतना कंसिडरेशन अमाउंट जो है ना वो जनरेट करने योग्य हो, मतलब मैं तो रेडी एंड विलिंग हूं अपनी साइड से परफॉर्म करने को, डिफेंडेंट इज डिफॉल्टिंग। ओके, क्लियर, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। नेक्स्ट, रितु सक्सेना वर्सेस GS ग्रोवर, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट ऑन इनकम विदाउट एनी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इज नॉट सफिशियंट
to prove that the plaintiff in a suit for specific performance was ready and willing. इस केस को हम कनेक्ट करेंगे इस वाले केस से. 10 साल बाद ये वाला जजमेंट आया, ये 10 साल पहले आ गया था कि मैं जनरेट कर सकता हूं इतना कंसिडरेशन, लेकिन यहां पे मैं मात्र जाके सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट दे दूं. सेल्फ सर्विंग, इंडियन एविडेंस में आपने पढ़ा है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट. सेल्फ सर्विंग, मेरे हित में जो ऐसा कह सकते हो वाक्य या ऐसा कोई स्टेटमेंट मैं जाके दूं, तो उससे ये प्रूफ नहीं होगा कि मैं रेडी और विलिंग हूं. ऑन इनकम विदाउट एनी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सिर्फ जाके मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा मैम. यू हैव टू प्रूफ कि आप फाइनेंशियली रिसोर्सफुल हो, फाइनेंशियली केपेबल हो, ऐसी सूट में जब आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया है किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट. मतलब कि मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, मुझे अपनी सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, मुझे ये बताना पड़ेगा भैया मैं बोल रही हूं कि मैं जब 10 करोड़ रुपए दे सकती हूं. ऐसा नहीं कि मैम खाली दिवालिया ही हो, आपके अगेंस्ट सॉरी आपके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो दे दिया, लेकिन बाद में आप बोल रहे हो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. तो पहले ही बता दो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या पहले ही ये प्रूफ करो कोर्ट के सामने दैट यू हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ओके, क्लियर है? यहां पर भी आप कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 16C. नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा नैनी महालक्ष्मी वर्सेज गंगूमाला अप्पा राव. प्ली ऑफ हार्डशिप कैन नॉट बी रेज्ड इफ नॉट प्लीडेड इन रिटन स्टेटमेंट. देखो रिटन स्टेटमेंट होता है, सीपीसी का कौन सा ऑर्डर कनेक्ट करेंगे आप? इज इट ऑर्डर 8? क्या ऑर्डर 8 है हमारे सीपीसी का? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रखे हैं साथ में, राइट? अगर आपने रिटन स्टेटमेंट में क्या मेंशन नहीं किया है, अगर आपने रिटन स्टेटमेंट में यह मेंशन नहीं किया कि आपको कितना नुकसान होगा, हार्डशिप मतलब आपको कितनी ज्यादा कठिनाई हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, तो फिर ये रिटन स्टेटमेंट में आप मेंशन नहीं करोगे. प्ली ऑफ हार्डशिप कैन नॉट बी रेज्ड इफ नॉट प्लीडेड इन रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया ना, आप इस चीज की दलील फिर नहीं कर सकते हो, इस ग्राउंड के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो. क्लियर? The vendor sought to raise the plea of hardship for the first time before the court. First instance पे ही आपको ये बता देना था. Vendor मतलब seller. Vendor कौन होता है? Seller. Seller, आप पहले बता दो कि अगर आपके against ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पालना की वाद को दिया गया है ना, कि डिक्री दी गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो आपको कोई हार्डशिप होगा, नुकसान होगा, पहले ही बता दो ना. अगर रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया, बाद में मेंशन नहीं कर सकते, खत्म कहानी. नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में केस है शारदा मनी कंडपम एंड अनदर्स वर्सेस राजलक्ष्मी 2011. अब यह केस हमें क्या कहता है? यह केस कहता है, देखो 2011 का है इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में वर्ड डिस्क्रिशन यूज किया है. यहां इन्होंने ये बोला है दैट कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन, जब कोर्ट अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, कब? जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट को डील कर रहा है, दैट इज विनिर्दिष्ट पालना की ऐसी संविदा ऐसी डिक्री को देख रहा है, नॉट डिक्री सूट वाद को, है ना, डिक्री तो बाद में आती है. The court should bear in mind that when the party is prescribed a time period, court को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उस संविदा ने पक्षकारों में समय निश्चित किया, time period prescribed है for taking certain steps or for the completion of the transaction, that must have some significance. Court को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि यदि पक्षकारों ने उस संविदा में समय सीमा टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है तो कुछ तो उसकी रेलेवेंस होगी ना. आपको कोर्ट वो कंसिडर करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कैन नॉट बी इग्नोर्ड. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने और शिखा जी ने यहां कॉन्ट्रैक्ट किया दैट मैम आप नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमें आरजीएस का सिलेबस कराएंगे. मैंने बोला यस. मैंने अगले 12 महीने में यदि आपको दैट इज एक साल में आरजीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, then while or when you are seeking a relief of specific performance against me, court is going to consider this 12 month. Shikha ji, 12 mahine hi kyun rakha? 12 mahine itna essence tha kya? Yes, these 12 months was the essence of the contract. Ma'am, aapko 12 mahine ke andar andar padhana tha. Reason, RJS 2022 ki vacancy aa gayi madam, aapne padhaya hi nahi.
अब आप बोल रहे हो कोई बात नहीं शिखा जी, मैं एक साल की फीस नहीं लूंगी, एक साल लेके और आपको पढ़ा दूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, बात पैसे की नहीं है, बात समय की है, बात समय की है यहाँ पे। इसीलिए मैम जब आपने बोला था कि 12 महीने में परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करेंगे, तो जब कोर्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट देख रहा है, कोर्ट इस टाइम पीरियड को कभी इग्नोर नहीं करेगा। ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये 12 मंथ्स का टाइम पीरियड देने के पीछे का रीजन क्या था। क्यों सिर्फ 12 महीने, क्यों 6 महीने, क्यों नहीं? क्योंकि साहब अभी तो वैकेंसी गई थी, अभी तो इंटरव्यू का रिजल्ट भी नहीं आया, इंटरव्यू भी नहीं हुए, तो लगभग 12 महीने लगेंगे। लो आ गई अगली वैकेंसी। अंडरस्टूड? वक्त की कदर नहीं है तो वक्त आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज केसेस आफ्टर 2018 अमेंडमेंट? सी शिखा जी, दिस केस कब का है? ये 2011 का है। दिस केस स्टिल होल्ड्स द रेलेवेंस, रीजन बीइंग कि ये आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एक सूट के वक्त की बात कर रहा है, ना कि कोर्ट के डिस्क्रिशन या मैंडेटरी पावर की बात कर रहा है। नो डाउट शिखा जी, हमने ये बोल दिया है कि मैम 2018 का अमेंडमेंट से पहले बिफोर हमारे स्पेसिफिक रिलीफ की रेमेडी कैसी थी? वो थी मैम डिस्क्रिशनरी। लेकिन आफ्टर 2018 मैम हमारी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री है वो कैसी हो गई है? मैंडेटरी हो गई है। मैंडेटरी तो है, दे हैव नो डाउट नाउ यूज द वर्ड शैल, बट सब्जेक्ट टू 11, 2, 14 एंड 16। ये वर्ड यूज करके, ये तीन सेक्शन मेंशन करके इन्होंने फिर से कोर्ट को डिस्क्रिशन दे दिया है। अगर ये बताओ इनमें से किसी में भी हमारा केस फॉल कर गया तो कोर्ट हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा ना, मतलब कोर्ट ने अपना डिस्क्रिशन यूज कर लिया ना। सो कहने को इसका नेचर बिकॉज ऑफ द वर्ड शैल, हम ये कह रहे हैं कि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी आपको देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10, बट दीज एक्सेप्शंस दैट आर गिवन अंडर योर सेक्शन 10 हैव स्टिल और आर स्टिल मेकिंग दिस प्रोविजन और दिस पावर टू बी अ डिस्क्रिशनरी पावर। कैन आई से दैट शिखा जी? इट इज स्टिल मेकिंग स्पेसिफिक रिलीफ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू बी अ डिस्क्रिशनरी पावर। अगर इन केसेस में फॉल नहीं कर रहा है, आप दीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री। क्लियर है ये चीज? ओके, सो टाइम पीरियड इज नेसेसरी, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एंड द फाइनल केस दैट वी हैव बिफोर अस इज मनकौर, जो कि अब डेड हो चुकी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव LRS जहां पे भी दिखता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू केस फाइट हुआ है वर्सेस हरतर सिंह संघा 2010। इवन इफ देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द कोर्ट कैन डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय द वेंडर इफ द ब्रीच इज एस्टैब्लिश्ड। कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच के बारे में मेंशन करना भूल जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में मेंशन करना भूल जाते हैं, जहां पे हम ये मेंशन नहीं करते हैं कि इन केस ऑफ ब्रीच हम ही आपके अगेंस्ट सूट ले आएंगे या इन केस ऑफ ब्रीच आपको इतना डैमेजेस देना पड़ेगा। आपको परफॉर्मेंस मैंडेटरी करना ही करना है। अगर ये इंटेंशन या ये वर्डिंग्स एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस कॉन्ट्रैक्ट में शो नहीं होती है तो भी वी कैन गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो भी कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट कर सकता है। किसको? वेंडर को, सेलर को डायरेक्ट कर सकता है। अगर आपने ब्रीच एस्टैब्लिश कर दिया, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वहां पे संविदा का भंग हुआ है। ओके, वेरी गुड। 2018 के पहले कोर्ट की मर्जी थी, 2018 के बाद एक्ट की मर्जी है, लेकिन एक्ट ने भी कोर्ट को फिर से बोल दिया तुम अपनी मर्जी चला लो अगर 11, 2, 16 और 14 में आता है तो। क्लियर? बट द कोर्ट हैज एन ऑप्शन एज पर 21 ऑफ द एक्ट टू अवॉर्ड डैमेजेस इफ इट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इट इज नॉट फिट फॉर ग्रांटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहना चाहते हैं मैम आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पॉइंट मेंशन नहीं किया, आप भूल गए, तो भी कोर्ट हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है यदि कोर्ट को महसूस हो गया या आपने प्रूफ कर दिया कि ब्रीच हुआ है। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि नो डाउट आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, लेकिन
हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जगह क्या दे सकते हैं 21 के अंदर डैमेजेस, दैट इज कॉम्पनसेशन दे सकते हैं ना, तो कॉम्पनसेशन दे दीजिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं दे सकते। सेक्शन नंबर 21 के साथ आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, 21 में आप कनेक्ट करेंगे, 21 के आप सब सेक्शन में देखेंगे, आपको एक सब सेक्शन ऐसा दिखेगा जो कहता है इफ कोर्ट फाइंड्स इट नॉट फिट टू ग्रांट द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देन इन दैट केस कोर्ट कैन अवार्ड द कॉम्पनसेशन। या कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ इज एंटाइटल फॉर डैमेजेस आल्सो एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आल्सो, हम दोनों दे सकते हैं, लेकिन जहां लग रहा है ना बाबा ना, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है हम आपको क्या दे देंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे, हम आपको डैमेजेस दे देंगे, तब भी दे देंगे जब आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई भी पॉइंट अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया है। कोई भी ऐसा केस लॉ जो समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आज ये 20 केसेस किए हैं, कल हमने स्पेशल क्लास में 4 से 5 केसेस डिस्कस किए थे, ये सारा पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा। पीडीएफ शेयर करना अलग बात है, नो डाउट हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं ना, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उन केसेस को शॉर्ट करके समझना और उसका रेलेवेंट सेक्शन वहां मेंशन करना, उस रेलेवेंट सेक्शन के पास जाके वो केस मेंशन करना, यहां जाके हमारी पूरी मेहनत समाप्त होती है। क्लियर है ये चीज? ओके, इस केसेस में जितने भी हमने केस डिस्कस किए हैं या एसआरए का कोई भी ऐसा पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किया जो आपको समझ नहीं आया है, तो और यदि कोई भी दुख दुविधा दिक्कत दस समस्या इश्यू प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बताऊंगी शिखा जी, ये हम टॉट लॉ करेंगे ना, तब आई लेट यू नो। ठीक है, कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट डिफरेंस। ओके, आई लेट यू नो। ठीक, क्लियर है? नाउ अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाए हम आपके साथ। इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट 6th of July, आज की तारीख है 6th of July। देखो जुलाई आ गया, एक साल हो गया इस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे जुड़े हुए। हाँ जी, लगभग 1 जुलाई 2 या 3 जुलाई के आसपास इस चैनल पे हमारी पहली क्लास आई थी और लगभग एक साल हो चुका है सबसे पहले जहां से आप सर से कनेक्ट हुए थे। धीरे 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 कहते हैं ना, जब अपनों का साथ मिल जाता है तो मंजिल जो है, मंजिल तक पहुंचने में और ज्यादा मजा आता है ना। तो आप सबका साथ, आप देख सकते हो लगभग 85K+ हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड बहुत जल्द हम इस आंकड़े को, टारगेट को ऊपर लेके जाएंगे, अपनी फैमिली को बड़ा बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो 6th of July आज है और आज कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एक और रेगुलर बैच लॉन्च हो रहा है, दैट इज 3.0 बैच लॉन्च हो रहा है। यहां पे फिर से देखो, अभी एक ऑलरेडी बैच लॉन्च हुआ था अप्रैल में, लेकिन ये बैच देखा गया है कि आगे के कुछ स्टेट जुडिशरीज के एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जस्ट अभी मई जून में लॉ कंप्लीट हुआ है एंड दे रियली वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बैच, दिस द रीजन। ये जुलाई में जैसे एडमिशन ओपन हो जाते हैं ना कॉलेज के, वैसे वापस एडमिशन ओपन हो गए हैं कि आप बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप बैच को कभी भी सब्सक्राइब कर सकते, लेकिन नुकसान क्या होगा, आपको बीच में से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और आप पहले का सफर भूल जाओगे। तो पहले के सफर को आनंद उठाइए। तो 6th of July से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, दैट इज आज शाम को 7 बजे सर की जो इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, वहां से अपने जुडिशरी की सफर को शुरू कीजिए और किसी भी लाइव क्लास को मिस मत करो। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कोशिश करो जितना हो सकता है रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास। बीच में बैच ज्वाइन कर रहे हो तो पहले वो पहले का बैकलॉग कंप्लीट करके बराबर हमारे स्टेज पे आ जाओ, फिर हमारे साथ साथ चलो। ओके, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हो सकता है मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी, लेकिन बाद में जो हमारे साथ साथ चलोगे इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए तो ये बैच आपके सामने लिंक लॉन्च हो रहा है आज 6th of July को। देखो ऑफर चल रहा है 3 दिन तक, 5, 6, 7 तक। क्या ऑफर चल रहा है? 6 महीने पे 1 महीना फ्री, 12 महीने पे 2 महीने फ्री, 18 महीने पे 3 महीने फ्री और 24 महीने पे 4 महीने डायरेक्ट फ्री मिल रहे हैं। 10% ऑफ और मिल रहा है अगर आप कोड यूज करते हैं क्या, लिंकिंग। ठीक है, अगर लिंकिंग लॉ टीम से कनेक्ट होना है और लॉ को लिंकिंग वे में पढ़ना है तो लिंकिंग कोड ही लगाना है। अपनी जर्नी कोड से शुरू कर लीजिए ताकि हर कंसेप्ट को आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे। मैम इतना लिंकिंग पे हम फोकस क्यों करते हैं? वो इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं ना, तो हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती है। वरना हर चीज को अगर हमने उसका यूनिक अलग अलग तरीके से, उसको अलग अलग आइडेंटिटी या स्टेटस देके पढ़ा, तो हमारे दिमाग में इतनी सारी यूनिक ब्लॉग्स या मेमोरी को क्रिएट करने वाली चीजें रहेंगी नहीं। ओके,
क्लियर है। तो पूरी टीम आपको यहाँ पे जीके जीएस इंग्लिश हिंदी लोकल लॉज माइनर लॉज मेजर लॉज लीगल मैक्सिम सब कुछ सारे स्टेट्स का मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज है, ये आपका प्राइस स्लैब चल रहा है अभी, इस पे 10% ऑफ है लिंकिंग कोड यूज करने पे, प्लस आपका एक्सटेंशन मिलेगा आपको 3 दिन तक के लिए, ऑफर चल रहा है, कल ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। फ्री मॉक आप सबको मिल सकते हैं यहाँ पे, क्या मिलेंगे फ्री मॉक, सारे माइनर लॉ और मेजर लॉ के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। स्पेशल क्लासेस की बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है, जो कि आए दिन हमारे लिंकिंग लॉस की टीम के सारे एडुकेटर्स द्वारा ली जाती है। ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। स्पेशल क्लास के बेनिफिट ये है कि लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है, लर्नर्स के लिए पोल होता है, सब्सक्राइबर्स रेज अ हैंड कर सकते हैं, अलर्ट मिलता ताकि आप क्लास को मिस ना करें, आप पीडीएफ की नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं और किसी भी डिवाइस से अनअकैडमी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन दिस सेशन, देन बाय यूजिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन क्लेम योर रिवॉर्ड। एंड इन केस इफ यू लाइक दिस सेशन, आप सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब आप कोर्स को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, जहां पे एक होगा आइकॉनिक, एक होगा प्लस। देखो आइकॉनिक में एक मेंटर मिलता, थोड़ा प्राइस जरूर लगता है लेकिन आपको एक मेंटर मिलता है जो कि आपके लिए लगभग सभी समय पे अवेलेबल रहता है, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आपको पर्सनल गाइडेंस देने के लिए, आपका टेस्ट एनालाइज करता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस देता है, आपको स्टडी प्लानर बनाता है। प्लस का बेनिफिट यह है कि आपके लिए लाइव टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। और ऐसा कोई भी मुद्दा जो कि आप चाहते हो कि मेरे ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है, एंड इफ यू वांट मी टू कवर दैट सेशन डू लेट मी नो। आने वाले सेशंस में कल और परसों 2 दिन और है, जब मैं एसआरए के कुछ मुद्दे लेने वाली हूं जो कि हमें समझने में दिक्कत होते हैं लेकिन मेंस और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। कल हम डिफरेंस करेंगे टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन का डिफरेंट, इसमें मैंडेटरी इंजंक्शन भी कवर करेंगे, कौन से ग्राउंड्स पे ये मिलते हैं और इनका क्या डिफरेंस है। ये होगा हमारा 7th of July को, कब होगा 7th of July को। फिर उसके बाद 8th of July को आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन मोर सेशन विच विल बी ऑन डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो क्लास में इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद इनका डिफरेंस करेंगे, ऐसे डिफरेंस नहीं करेंगे। यहीं पे होने वाला है शशर जी, यूट्यूब पे होने वाला है। ओके विकास जी, गुड मॉर्निंग विकास जी, सेशन लगभग हमारा खत्म होने को आया है, ठीक है। पहले देखो हम ना दो लोगों में तब तक फर्क या भेद नहीं कर सकते जब हम दो लोगों की क्वालिटीज ही ना जाने, तो पहले इन सब चीजों को समझेंगे उनके बाद इनका डिफरेंसेस करने वाले हैं, ठीक है। मोटिवेट, जो सब लॉ लिंकर्स हैं, जो सब रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन। देखो आपको डर तब लगता है जब आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई ना की हो, जिस दिन आप रेगुलर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे आपको चीजें मेमोराइज होनी शुरू हो जाएगी, लिंक करना शुरू कर दोगे, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी। और मुझे ये पर्सनली लगता है कि मोटिवेशन या इंस्पिरेशन खुद से बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता है, या आप खुद ही खुद के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हो। बिकॉज इफ़ यू लुक बैक, जो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही चलता है ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ ही होता है, कोई किसी से शेयर करता है, कोई किसी से ना शेयर करे, चाहे मेरी लाइफ हो आपकी लाइफ हो, हम सब अपने अपने लिए मोटिवेटर्स हैं। सो इफ़ यू लुक बैक एंड इफ़ यू सी हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड इन योर लाइफ, किस तरीके से अच्छे से आप चीज़ों से उभर के बाहर आए हो, तो आप सब अपने आप में वॉरियर हो। आपको किसी और से इंस्पिरेशन लेने से बेहतर है कि आप खुद के लिए इंस्पिरेशन बनो, क्योंकि आप खुद को अच्छे से जानते हो, तो खुद के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जिए, पढ़ाई करें, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रायोरिटी देना सीखें, है ना। हर एज में एक अलग अलग प्रायोरिटी होती है, खुद की चीज़ों को, खुद के सपनों को प्रायोरिटी देना सीखें। ओके, सो दैट वाज ऑल इन टुडे सेशन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।